नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल में पालक की सब्जी। तो एक गड्डी पालक हमने लिया है, तो ये पानी गर्म करने हमने रख दिया है, तो इसमें पालक को हम डाल देते हैं। पालक को हमने पहले छांट के धो लिया था, तो ये सारा ही पालक हम इसमें डाल देंगे और इसे एक दो मिनट के लिए पका लेंगे। हल्का सा, थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाएगा, फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हम हल्की सी चीनी इसमें डाल रहे हैं ताकि इसका कलर ऐसे ही रहे हरा सा। तो ये हो गया है, अब हम इसे गर्म पानी से निकाल के, हमने ये बर्फ़ वाला पानी रखा है उसमें हम डुबो लेते हैं इसे, बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो अच्छी तरह डुबा लेंगे हम इसको। उसके बाद हम ये मिक्सी का जार ले लेते हैं, उसमें हम डाल दिए हैं इसको। ठंडा करने के बाद मिक्सी में इसे पीस लेंगे। तो ये हमने तैयार कर दिया है। अब हम पैन रख लेते हैं, उसमें 2 चम्मच हम तेल डाल रहे हैं। तेल को गर्म होने के बाद हम हल्का सा जीरा इसमें डाल लेंगे। जीरे के बाद हम लहसुन डाल लेते हैं, लहसुन को ब्राउन होने दें। 4-5 फली हम लहसुन की ले रखी है। उसके बाद एक प्याज हमने काट के लिया है बारीक, वो हम डाल लेते हैं। प्याज को भी अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। 2 हरी मिर्ची हमने काट के डाल दी हैं, थोड़ा सा इन्हें भून लेंगे। उसके बाद हमने 2 चम्मच वो लिया है बेसन, वो हम डाल लेते हैं। 1 टमाटर हमने काट के लिया है, वो हम डाल लेते हैं। बेसन को थोड़ी सी 1-2 मिनट आप भून लें अच्छी तरह। अब ये नमक हम डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा पकने देंगे इसको, फिर हल्दी हम डाल देते हैं 1/2 टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं। उसको भी अच्छी तरह पका लेंगे, मसाला बना लेंगे बिल्कुल। तो ये तेल भी छोड़ने लग गया है। अब हम जो हमने पालक ग्राइंड करा था वो हम डाल लेते हैं। इसे पका लेंगे हम, हल्का सा पानी हम इसमें डाल लेते हैं। और ये हमने गरम मसाला थोड़ा सा डाला है इसमें, तो थोड़ी देर तक पकने देंगे। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हम थोड़ा सा 2 चम्मच वो हम आप चाहें तो मलाई डाल सकते हैं, हम दूध डाल रहे हैं इसमें। दूध डालने के बाद थोड़ी देर पका लें। तो ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम ये तड़का पैन रख रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब। गरम होने देंगे अच्छी तरह से। तो ये जीरा हम डाल लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद लहसुन डाल देंगे, 4-5 फली लहसुन के लिए हमने काट के, वो हम डाल लेते हैं। तो इसे अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और उसके बाद ये मिर्ची ली है हमने, लाल मिर्ची जो होती है, साबुत लाल मिर्ची सूखी हुई, वो हम डाल देते हैं। और इसमें हम सब्जी में तड़का लगा लेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी।